आज हम एम्फियोक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। एम्फियोक्सिस को हम ब्रांचियोस्टोमेटा भी कहते हैं, जो पूरी क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट रहता है, मैराइन एनिमल है, जो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोस्टल वाटर में पाया जाता है, कहाँ के, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, मेडिटेरियन सी, साउथर्न कोस्ट ऑफ चाइना। ये एक बोरोइंग एनिमल है जिसकी पूरी बॉडी पार्ट जो होता है बोरो रहता है, बस एक हेड जो होता है वो वाटर के ऊपर रहता है, मतलब सैंड में, वाटर के नीचे सैंड में पूरी बॉडी अंदर रहती है इसकी, बस एक हेड जो है वो सैंड के ऊपर रहता है। ये क्या कहते हैं, एक सिलिनरी फीडर होता है, ये प्लैंकटोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, मतलब इसका हेड जो होता है वो ऊपर रहता है सैंड के, तो ये प्लैंकटोटोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो वाटर में क्या कहते हैं आते हैं फ्लो करके, उन्हें फीड करता है। इसके मेल और फीमेल सेपरेट रहते हैं, ये दोनों गैमेट्स छोड़ देते हैं वाटर में, और फर्टिलाइजेशन वहीं पर होता है। डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, इसमें एक फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज भी आती है, जिसके जो अडल्ट की शेप की होती है। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले शेप, साइज एंड कलर। ये स्मॉल होता है, इलॉन्गेटेड नैरो होता है, और फिश लाइक एनिमल होता है। 5 से 8 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। बॉडी जो होती है ये पॉइंटेड होती है, दोनों तरीके से, दोनों एंड में ये पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है। और इस क्या कहते हैं इसे, लेंसिलिट भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, लेंसिलिट, जिसका मतलब क्या है, लेंस। तो इसका शेप के, साइज और कलर के बारे में था। ये स्मॉल इलॉन्गेटेड नैरो होता है, फिश लाइक एनिमल होता है, 5 से 8 सेंटीमीटर का लेंथ में होता है। अब इसका पोस्टीरियर एंड जो होता है वो ज़्यादा पॉइंटेड होता है, इसके एंटीरियर एंड से ज़्यादा, पोस्टीरियर एंड ज़्यादा पॉइंटेड होता है, ज़्यादा नुकीला होता है। अब डिवीज़न ऑफ बॉडी, बॉडी कितने पार्ट में, इसमें ट्रू हेड एब्सेंट होता है, ट्रू हेड नहीं पाया जाता है। बॉडी दो रीजन में डिवाइड रहती है, ट्रंक और टेल। क्या कहते हैं, इंटीरियर रीजन जो होता है वो बड़ा होता है, उसमें क्या, ट्रंक आता है, और पोस्टीरियर रीजन जो स्मॉल होता है उसमें टेल आती है। तो पोस्टीरियर रीजन मतलब टेल वाला रीजन ज़्यादा पॉइंटेड होता है इंटीरियर एंड से। ये इसका एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर स्ट्रक्चर है। ये रहा है क्या कहते हैं इसका पोस्टीरियर रीजन, और ये रहा है एंटीरियर रीजन। एंटीरियर रीजन में आगे एक पॉइंटेड क्या है, नोट्स, और क्या है, रोस्ट्रम, रोस्ट्रम पाया जाता है एंटीरियर एंड में, आगे ट्रंक की तरफ, ये रोस्ट्रम आगे पाया जाता है, जिसे नोट्स भी कहते हैं हम। इसमें बकल कैविटी होती है, डॉर्सल फिन रेस ये है, डॉर्सल फिन, नर्व कोड ये, नोटो कोड यहाँ पे पाया जाता है, ये मसल्स हैं, और ये कॉडल फिन, कॉडल फिन इसकी टेल में पाया जाता है, एनएस हो गया ये, वर्ट्रल फिन ये यहाँ पे है, ये वर्ट्रल फिन रेस, एंट्रियोपोर यहाँ पे इसके आगे, उसके आगे गोनट्स हैं, ये लीवर आ गया है, इंटेस्टाइन यहाँ पे पाया जाता है इसका, यहाँ पे गिल बार और गिल स्लाइड, जिसे दोनों को पेरिक्स कहते हैं, दोनों को मिला के ये पाए जाते हैं, साइरस और ओरल टेंटिकल्स। ये एंटीरियर एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये रोस्ट्रम, जो पॉइंटेड ये होता है, इसे नोट भी कहते हैं, ये पाया जाता है। अब इसका अपर्चर देखेंगे। ट्रंक जो होता है, तीन तरीके का अपर्चर वो करता है, बेयर माउथ, एंट्रियोपोर और एनल पोर। माउथ जो होता है वाइड, खूब चौड़ा होता है, एंट्रियो वेंट्रल अपर्चर होता है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, ओरल हुक पाए जाते हैं। अब एंट्रियोपोर क्या होता है, ये स्मॉल मिड, बीच में वेंट्रल होता है, जो कि अपर्चर, राउंडेड अपर्चर होता है, और वेंट्रल फिन के जस्ट फ्रंट में होता है, और एंट्रियल कैविटी जो कि पेरिक्स के चारों तरफ होती है, ये कहाँ ओपन होती है, एंट्रियोपोर के आउटसाइड में से ओपन होती है एंट्रियल कैविटी, जो पेरिक्स के, मतलब वो जो गिल स्लाइड थी और गिल, ये थे गिल स्लाइड और गिल बार, यहीं पे एंट्रियो
एंट्रियो पोर होता है, ये कहाँ पे ओपन होता है? एंट्रियो, ये एंट्रियल कैविटी कहाँ पे ओपन होती है? एंट्रियो पोर में। अब एनएस क्या होता है? एनएस लेफ्ट में पाया जाता है, मिड वेंट्रल लाइन के, इसमें क्या होता है, कॉडल फिन के बेस में, मतलब कॉडल फिन जहाँ आते हैं टेल में आते हैं उसके बेस में, ये मिड वेंट्रल लाइन में के लेफ्ट में एनएस पाया जाता है। स्मॉल पोस्टर पार्ट जो होता है इसका बॉडी का, एनएस के बिहाइंड में फॉर्म टेल, टेल फॉर्म कर देता है। फिन्स एंड फोल्ड, ये एम्फियोक्सिस में थ्री अनपेयर्ड और लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिन होती है, जो क्या क्या होती है, डॉर्सल, कॉडल एंड वेंट्रल। डॉर्सल फिन जो होती है वो मिड डॉर्सल लाइन में होती है, जो पूरी ट्रंक में, इंटायर लेंथ, ट्रंक के चारों तरफ फैली होती है, पूरी ट्रंक में डॉर्सल फिन फैली होती है, ये कंटिन्यू रहती है। डॉर्सल फिन किसके आगे टेल में, किससे वो हो जाती है, कॉडल फिन से हो जाती है। मतलब जैसे ट्रंक है, ये ट्रंक है, ट्रंक में डॉर्सल फिन रहेगी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ जब टेल की स्टार्टिंग होती है तो कॉडल फिन आ जाती है। तो कॉडल फिन में के टेल में कॉडल फिन आ जाती है। अब वेंट्रल फिन, वेंट्रल फिन कहाँ रहती है, ये कॉडल फिन के मिड वेंट्रल में रहती है, और ये मीडियन ओपनिंग होती है इसकी, एंट्रियो पोर में, एंट्रियो पोर में वेंट्रल फिन रहती है, ये थोड़ी वाइडर होती है, चौड़ी होती है डॉर्सल फिन से। डॉर्सल और वेंट्रल फिन जो होती है वो एक दूसरे को, वो सपोर्टेड रहते हैं किससे, एक या दो सीरीज फिन रे बॉक्सेस के, एक या दो सीरीज से सपोर्टेड रहते हैं डॉर्सल या वेंट्रल फिन। ये दोनों किससे फॉर्म होते हैं, जिलेटिनियस सब्सटेंस से और कनेक्टिव टिश्यू से। जो स्ट्रक्चर होता है फिन का और फिन रे बॉक्स का, ये फिशेस से अलग होता है। एम्फियोक्सिस में जो स्ट्रक्चर होता है फिन और फिन रेस बॉक्सेस का, वो फिशेस से के स्ट्रक्चर से अलग होता है। पेयर्ड फिन इसमें अब्सेंट रहती है। टू होलो मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या कहते हैं, इसके ट्रंक के टू थर्ड पार्ट में एंटीरियरी होते हैं, दो होलो मेम्ब्रेन किसके, मेटाप्लूरल फोल्ड के, ये इसके टू थर्ड पार्ट में रहते हैं ट्रंक के। अब मायोटोम्स और गोनाड्स, अब हम गोनाड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम मायोटोम्स भी कहते हैं। लेटरल साइड में बॉडी के एक सीरीज होती है वी शेप की, वी शेप मसल बैंड की सीरीज होती है, जिसे मायोटोम्स भी कहते हैं या मायोमर्स ये भी कहते हैं। ये सब किस में, कैसे, दीज कैन बी सीन, ये ट्रांसपेरेंट बॉडी वॉल से हम देख सकते हैं। मायोटोम्स के बिलो नीचे में एक सीरीज होती है गोनाड की, जो कि माउथ और एंट्रियोपोर के बीच में पाई जाती है। मतलब मायोटोम्स होते हैं, वी शेप के मसल बैंड होती है, उसके नीचे गोनाड्स की एक सीरीज पाई जाती है, जो कि कहाँ होती है, माउथ और एंट्रियोपोर के बीच में होती है। अब इसका बॉडी वॉल, बॉडी वॉल में क्या होता है, तीन तरीके से बॉडी वॉल होता है। सबसे पहले थिन, डेलिकेट और ट्रांसपेरेंट स्किन होती है, फिर उसके बाद वेल डेवलप्ड मस्कुलेटर होता है, और फिर पेराइटल, पेरिटोनियम होता है। स्किन, स्किन क्या, आउटर में एपिडर्मिस होती है, थिन होती है, पतली होती है और सिंगल लेयर होती है कि इसकी, एपिटिमल सेल की, और फिर उसके नीचे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ये एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। अब यंग्स में ये सिलिएटेड होता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाता है तो इसका सिलिया जो होता है वो लॉस हो जाता है। एपिडर्मिस में सेंसरी सेल कंटेन होते हैं, लेकिन ग्लैंड सेल और पिगमेंट सेल जो होता है इसमें अब्सेंट रहते हैं। थिन, पतली सी और टफ लेयर जो होती है क्यूटील्स की, वो एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर पाई जाती है, जिसे क्यूटीज की, थिन होती है, पतली होती है और टफ लेयर होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, फाइब्रिक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। क्यूटीज के नीचे एक और लेयर आती है जो सब क्यूटीज होती है, ये थिक स्पॉन्जी लेयर से बनी होती है, जो स्पॉन्जी लेयर होती है थिक, बहुत ही थिक होती है, मोटी स्पॉन्जी लेयर होती है, जो किससे बनी होती है, जिलेटिनियस मैट्रिक्स से, जिनमें क्या क्या होता है, नर्व फाइबर सेल होता है और ब्लड वेसिकल होता है।
ये सबसे पहले एपिडर्मिस होता है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है, फिर उसके नीचे क्यूटिस या कम्पैक्ट लेयर भी पाई जाती है, जो कि क्या होती है, थिन होती है और टफ लेयर होती है, और उसके नीचे सब क्यूटीज पाए जाते हैं जो बहुत ही स्पॉन्जी लेयर होते हैं, और इसमें ये जिलेटिनियस मैट्रिक्स से बना होता है, और इसमें क्या क्या होता है, नर्व फाइबर सेल होता है और ब्लड वेसिकल होता है। दोनों क्यूटीज और सब क्यूटीज किससे ट्रांसपेरेंट, एक कैनल ऑफ सिस्टम से ट्रांसपेरेंट रहते हैं। एपिडर्मिस जो होती है सिंपल होती है, सिंगल लेयर होती है, जैसे कि वर्टिब्रेट में पाई जाती है, सिमिलर होती है जैसे कि वर्टिब्रेट में पाई जाती है एपिडर्मिस, वैसे ही इसमें भी पाई जाती है। अब हम मस्कुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलेटर इसमें वेल डेवलप्ड होता है, मसल जो होती है स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती है, ये ज़्यादा बॉडी वॉल का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो होता है, ग्रेटर पार्ट जो होता है बॉडी वॉल का, ये मस्कुलेटर ही फॉर्म करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, नर्व कॉर्ड होता है, नोटो कॉर्ड होता है, और बहुत ही थिक डोर्सल लेटरल रीजन भी पाया जाता है। मसल क्या दिखाती है, मेटामेरिक सेगमेंट दिखाती है, और ये किस सीरीज में अरेंज रहता है, वी शेप सीरीज में अरेंज रहता है, जिसे हम मायोटोम्स भी और मायोमार्स भी कहते हैं। पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा था। मायोटोम्स क्या होता है, ये आर एनवलप्ड इन एनवलप्ड रहता है, किसमें, एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर में, थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर में रहता है, और ये मायोकोमाटा से सेपरेट रहता है। मायोटोम्स जो होता है ये बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, इसके क्या कहते हैं, बॉड वाटर में इसका ड्राइव करने के लिए, साइड वे में रैपिडली ट्विस्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। वाटर में क्या कहते हैं, फ्लो करने के लिए, स्विम करने के लिए, अचानक से टर्न लेने के लिए ये मसल्स जो होती हैं इसकी हेल्प करती हैं। अब पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या होता है, मसल लेयर जो होती है वो लाइंड रहती है एक थिन लेयर से, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। ये कुछ कुछ पैचेस में पाई जाती है, लेकिन ये पेरिजियल रीजन में अब्सेंट रहती है, कहीं कहीं ही पेरिटोनियम लेयर पाई जाती है, बाकी ज़्यादातर रीजन में अब्सेंट रहती है। मसल लेयर के बाहर एक थिन लेयर होती है पेरिटोनियम की। इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। किंगडम क्या होता है, इसका एनिमेलिया होता है, फाइलम इसका कॉर्डेटा होता है, सब फाइलम इसका सिफेलो कॉर्डेटा होता है, क्लास जो होती है इसकी लेप्टोकार्डी होती है, और ऑर्डर जो होता है एम्फियोक्सी फॉर्म होता है। ये हमने बीएससी थर्ड सेम का एक टॉपिक पढ़ा है एम्फियोक्सिस, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है एम्फियोक्सिस का। थैंक यू।